हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना निटिंग। ये देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये कलर का पैटर्न लेकर आई हूँ और इसे आप लेडीज़ कार्डिगन, ट्रेंड स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉल में, शॉल में। बहुत ही आसान और प्यारा सा पैटर्न है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको आज बनाना सीखते हैं। सब्सक्राइब करें अवीना नीटिंग को और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं और 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करें, 4 के मल्टीपल में फंदे रखें और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखें तो ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल फिट आएगा। 6 सिलाई का हमारा पैटर्न है और राइट साइड से ही हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ फंदे डाल कर रखे हैं। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 2 फंदे सीधे बुन लेते हैं। एक फंदा हमारा ये एस्टिच का है इसलिए इसे हमें काउंट नहीं करना है, इसे सीधा बुन लेना है। एक फंदा हमें सीधा बुनना है। इस फंदे को आप चाहें तो बग़ैर बुना भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बुनती हूँ तो इस फंदे को आप बुन भी सकते हैं और बग़ैर बुना उतार सकते हैं। यहाँ से हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब डिज़ाइन रिपीट होगा। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, ठीक है, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। और जैसे ही हमने स्टार्ट में एक फंदा बुना था स्टिच का, ऐसे ही लास्ट में एक फंदा, इसे भी सीधा बुन लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो उल्टी सिलाई इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, एक सिलाई बुनकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई में ये इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलता है, हमेशा पूरी उल्टी ही बुनी जाएगी। तो यहाँ ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं और ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं हम सी राइट साइड में। तो ये देखिए, अब हमारे डिज़ाइन की ये थर्ड रो है। ये सिलाई भी हमारी फर्स्ट रो की तरह बुनी जाएगी। 2 फंदे यहाँ पर हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। ये देखिए, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और ये लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पर उल्टी सिलाई उसी तरीक़े से पूरी उल्टी बुन लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। और अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ डिज़ाइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये सीधा बुन लिया हमने। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस फंदे को हम ऐसे सामने लाते हुए यहाँ पर ये 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, अब देखिए हमें यहाँ पर जाली बनानी है। तो ये धागा आगे करके हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे। देखिए, जाली बन गई हमारी। ये देखिए, धागे को फिर से आगे लाएंगे और इन दोनों फंदों को, यही वाला फंदा जो है हमारा सीधा, इसको हम इन दोनों फंदों को इस तरह से इस नीडल पर लेंगे। देखिए, सामने हमें ये वाला फंदा करना है, ये जो उल्टा फंदा है इसे पीछे को रखना है और इसके बाद हमें ये वाला फंदा बुनना है। देखिए, आगे वाला फंदा बुनना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब इन 2 फंदों को हमें इस आगे वाले फंदे पर से उतार देना है। ये देखिए, तो ये हमारा फंदा इस तरीके से आ जाएगा।
अब फिर से हम यहाँ पर जाली बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से धागे को आगे करेंगे, फिर से हमें इन दो फंदों को देखिए इस तरीक़े से उतारना है, ये देखिए ऐसे करके, और इस आगे वाले फंदे को बुन लेना है। और अब इन दो फंदों को हमें इस फंदे पर से उतार देना है, ये देखिए ध्यान से देखिए। फिर से जाली बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से हम इस फंदे को, इन दो फंदों को ऐसे लेंगे, इस आगे वाले फंदे को बुन लेंगे और इस पर से हमें उतार देना है, देखिए। अब एक धागा आगे करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ही फंदे बचे हैं तो हम इन इसको सामने लाते हुए इन दो फंदों का एक कर देंगे, और ये लास्ट का फंदा है हमारा स्टिच का, इसको हम सीधा बुन लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा अब हमें क्या करना है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, पूरी सिलाई हमें यहाँ उल्टी बुननी है, उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर ये सिलाई हम उल्टी बुन लेते हैं, सिर्फ एक सिलाई में ही हमारा ये पैटर्न बनता है, बाकी सिलाइयों में हमें सीधा उल्टा बुनना होता है। तो ये देखिए ये सिलाई हमने पूरी यहाँ पर उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं हम इसकी सीधी सिलाई में, तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से हमें यहाँ पर फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है, लेकिन हमें जगह चेंज करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब हम यहाँ पर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा हम ये वाला बुनेंगे, अब सीधा तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो उल्टी सिलाई बुन ली हमने सीधी सिलाई, फिर से उसी तरीक़े से तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। ये सिलाई भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई उसी तरीक़े से। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी सिलाई में आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। दो फंदे हम यहाँ पर देखिए ये सीधे बुन लेते हैं। अब धागे को आगे करेंगे और ये वही दो फंदे हम ऐसे इस नीडल पर लाएंगे, इस आगे वाले फंदे को बुनेंगे और इन दो फंदों को हम इस पर से उतार देंगे, ये देखिए। अब फिर से धागा आगे करके एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, इन दो फंदों को नीडल पर लेकर आएंगे यहाँ, और आगे वाले फंदे को बुन लेंगे, इन दो फंदों को हम इस पर से उतार देंगे, ये देखिए। धागा आगे करके एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे करके ये दो फंदे हमें उतार देने हैं, ये फंदा बुनेंगे, इन दो फंदों को इस पर से उतार देंगे, धागा आगे करके एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिए, इस फंदे को हमें आगे वाले को लेते हुए दोनों फंदों को उतारना है, ताकि हमारा सीधा इस तरह से लाइन बने। तो आगे वाले फंदे को बुन लेते हैं, इस फंदे को इस पर से उतार देते हैं, धागा आगे करके ये लास्ट के दो फंदे हैं इन्हें बुन लेंगे। तो उल्टी सिलाई उसी तरीक़े से पूरी उल्टी बुन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली और हमारा ये पैटर्न भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। देखिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनकर तैयार होता है, और देखिए ये ऐसे बनता है, और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डिज़ाइन, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊँगी फिर से एक नया पैटर्न लेकर आपके खिदमत में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।